सो प्रीपोजिशंस की बात करेंगे हम लोग. मैंने आपको अगर इन पांच दिन में कोई पांच काम की चीज बताऊंगा तो ये समझ लो मैंने एकाध तो बता दी है. और अभी जो प्रीपोजिशन जो है वो पांच में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. प्रीपोजिशंस उतने इंपॉर्टेंट है जितना नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव. तो प्रीपोजिशन ध्यान से सुन लेना आप बस. प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में ऐसे दिखता है. बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये दिखता है. इसके अलावा किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज दिखती है तो वो प्रीपोजिशन दिखती है. और प्रीपोजिशन आने के बाद में मैं तीन तरह की प्रीपोजिशंस होती हैं, तीनों तरह की आपको बताऊंगा. और प्रीपोजिशन आने के बाद में आपको ये फील आएगा कि जैसे आपका A1 A2 हो गया है. इतनी इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस और नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव में आप कॉन्फिडेंट होते हो तो वर्ड्स तो सीख लोगे आप. दोस्त तो आज ही सीख लिया आपने, तो वर्ड तो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. आपको अगर तरीके से, टेक्निक से सिखाया जाए, सीखें आप, तो वर्ड तो सीख जाओगे आप. प्रीपोजिशंस की बात करते हैं अपन. इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट. प्रीपोजिशंस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस, जैसे वर्ब होती है ना नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव, ऐसे प्रीपोजिशंस भी होती हैं अक्यूजेटिव, डेटिव और टू वे. नॉमिनेटिव नहीं होती. अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस, डेटिव प्रीपोजिशंस और वेक्सल. वेक्सल का मतलब होता है टू वे. तीन टाइप की प्रीपोजिशंस हैं, अक्यूजेटिव, डेटिव और टू वे. जैसे डेटिव वर्ब्स का आपने फॉर्मूला लर्न किया था. क्या था फॉर्मूला डेटिव वर्ब्स का? देव जी है पास. ये डेटिव हो गई वर्ब्स. ऐसे ही हमको इनके भी फॉर्मूले लर्न करने हैं, इजी हो जाएगा. इसका है बीएफ है तो उड़ोगे. आपके पास अगर बीएफ है तो उड़ोगे. बीएफ है तो उड़ोगे, ये अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस हैं. बी स्टैंड्स फॉर बिस, फ्यूर, एंटलांग, डुर्स, ओन है, गेगन एंड दीज आर सेवन अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस. एक बार फिर से, बिस, फ्यूर, डुर्स, ओने, गेगन एंड लांग, दीज आर अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस. इनका मीनिंग भी बताऊंगा. सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद में अगर प्रीपोजिशन आ जाए नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट. वर्ब इज अक्यूजेटिव, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अक्यूजेटिव. सपोज वर्ब आ गई और प्रीपोजिशन आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आया तो वर्ब की नहीं चलेगी, प्रीपोजिशन विल डिसाइड. अभी तक मैंने जो बात करी उसमें प्रीपोजिशन आई नहीं थी, तो वर्ब इज डिसाइडिंग ऑल द टाइम. इफ प्रीपोजिशन इज नॉट देयर वर्ब विल डिसाइड, बट इफ प्रीपोजिशन इज देयर
सपोज अंदर नहीं गई, क्या उबासी कैसे आई भाई, किसी को उबासी आई ऐसे फील आ रहा है मुझे। आकुजाटिव जो प्रीपोजिशन है, आकुजाटिव प्रीपोजिशन आ गई तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो होगा वो आकुजाटिव होगा। ऐसे ही बाद में डाटिव की बात करेंगे तो डाटिव के बाद में अगर कोई केस आएगा तो वो डाटिव ही होगा। एक एक करके लेते हैं हम लोग, फिर समझ में आएगा आपको। केवल आकुजाटिव की बात करते हैं। क्या था फॉर्मूला? बी बी एफ है, बी एफ का मतलब है बेस्ट फ्रेंड है। ओके मे बी बी एफ है उड़ोगे। ओके उड़ोगे यस। बिस फ्योर उम जोश जोश ओने ओने एगेन एगेन एलन सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। यस प्लीज नॉइस आ रहा है। देख पा रहे हो आप, सुन रहे हैं आपको? यस सर। किसी ने बोला कुछ? सो ये आपका ये सेवन अकुजाटिव प्रीपोजिशंस हैं सारी। हम लोग अब केवल अकुजाटिव की बात कर रहे हैं। ऑल दीज आर अकुजाटिव प्रीपोजिशंस, ये सब अकुजाटिव है। बिस मतलब टिल और अप टू, मीनिंग सबसे पहले टिल अप टू। डूर्स मीन्स थ्रू, ओने इज विदाउट, इज अराउंड, फ्यूर इज फोर, एंटलांग इज अलोंग साइड, गेगन इज अगेंस्ट अलोंग साइड। ये दो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी आती हैं, उसके बाद में बात करेंगे। एज ए प्रीपोजिशन ये मीनिंग आपको लर्न करना है। टिल अप टू, सपोज इसके साथ में मैं टेबल भी लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। ये टेबल तो सब जगह आएंगी ना, डेर दी दास्ती वाली। ये जिसको याद नहीं है वो बहुत अन्याय कर रहा है खुद के साथ। टेबल लर्न कर लेना भाई। ये टेबल्स मैस्कुलिन फेमिनिन नॉइट्रल प्लूरल, मैस्कुलिन फेमिनिन नॉइट्रल प्लूरल तो है नहीं इसमें, नॉमिनेटिव अकुजेटिव डाटिव, यही थी अपने टेबल। नाउ इफ आई से आई एम गोइंग टिल द बस, आई एम गोइंग टिल द कॉर्नर, आई एम गोइंग अप टू द हाउस मे बी, वहां तक इसका मतलब है उससे आगे नहीं, इसका सेंस ये रहता है। बिस सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके आगे नहीं जाऊंगा। दिस इज द लास्ट लिमिट, टिल का मतलब है दिस इज द लास्ट लिमिट अप टू। यू कैन यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम और प्लेस। 10 बजे तक काम कर लूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, इसका मतलब यह है कि 10 इज द लास्ट लिमिट, चौड़ा रास्ता तक चला जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। कार चला ले, पुणे तक चलाऊंगा, आगे मुंबई तू चल लेके जाएगा, तो पुणे इज द लास्ट लिमिट, इसका सेंस ये है।
प्लेस और टाइम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है ये. सो एश गे है बिस. सपोज देर इज ए वर्ड दी एके. एके इज कॉर्नर. आई विल गो टिल द कॉर्नर. कॉर्नर तक जाऊंगा मैं. इस गे है बिस दी एके. ओरिजिनली आर्टिकल ऑफ एके इज दी एके बट वी आर यूजिंग इट अकुजाटिव. इस गे है बिस. बिस इज अकुजाटिव. दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है कुल मिला के बट प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है इसको प्रीपोजिशनल बोल देते हैं. सो दिस इज अकुजाटिव. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अकुजाटिव. अब वर्ब से फर्क नहीं पड़ता कौन सी थी. ऑल्दो वी नो बट व्हेन प्रीपोजिशन इज देयर फॉर एग्जांपल अकुजाटिव प्रीपोजिशन इज देयर द केस विल बी अकुजाटिव. इफ डाटिव प्रीपोजिशन इज देयर द केस विल बी डाटिव. ओवर. नेक्स्ट फ्यूर. फ्यूर का मतलब है आप ये भी कह सकते हो बिसेन. आई एम वर्किंग और आई विल वर्क टिल 10 o'clock. इस आर्बाइटर बिसेन ओवर. इस आर्बाइटर बिसेन ओवर टिल 10 o'clock. ये क्लॉक है. सो 10 के आगे नहीं करूंगा. इतने की बात हुई थी. अच्छा काम के मामले में तो पूरा ध्यान रखता है कि कब तक काम नहीं करना है. सो इस आर्बाइटर बिस सेन ओवर. फ्यूर का मतलब है फोर. आई एम हियर फॉर यू. फॉर यू. यू को क्या कहते हैं जर्मन में. यू डू. तो फ्यूर डू कर दूं क्या. फिर डू डिश आएगा. डू का अकुजाटिव डिश. ओके इट्स बीन हियर फिर डिश. ओके कितना अच्छा हो अगर ये आपके याद ही हो जाए इस मिस मियर. कितना बढ़िया हो. इश मिश मियर डू डिश डियर. एयर इन इम. एस एस इम. जी जी ईयर. वियर उन्स उन्स. ईयर ओइश ओइश. जी जी इनन. जी जी इनन. आप में से कई लोग पूरे जोश के साथ बैठे हैं मेरे साथ जर्मन सीखने के लिए. पूरा जोश में कोई कमी नहीं है उनके. लेकिन उनको ये टेबल याद नहीं हुई है. हैं ऐसे कुछ. आप हो कि नहीं आप खुद जानते हो. पूरे जोश है उनमें कि 5 दिन में A1 कर लें. पूरा जोश. उनका जोश नाप लो ना तो नापने वाला फीता टूट जाए मेरी. इतना हाई जोश है उनका. लेकिन उनको ये टेबल याद नहीं है. और 5 दिन तो क्या. 2 महीने का भी कोई आपको A1 कोर्स कराए 3 महीने का भी कराए और आपने अगर ये टेबल लर्न नहीं करी 3 बेसिक टेबल तो आपसे सेंटेंस नहीं बनेंगे. आप कोशिश बहुत करोगे ऐसे लेकिन बनेंगे नहीं क्योंकि ये तो इससे बनते हैं. तो आपसे मान लो कि 2 महीने बाद में सेंटेंस नहीं बने और आप मेरे को कहो कि सर हमने आपका ये भी कोर्स कर लिया और आपका फुल वाला कोर्स भी कर लिया सेंटेंस क्यों नहीं बन रहे. तो मैं मुस्कुराऊंगा. मैं उसको बोलूंगा कि टेबल याद कर लो फिर बनेंगे. है ना. तो ये टेबल आप याद कर ही लो. आज कर लो नहीं तो 5वें दिन भी आपके मन में यही रह जाएगी कि सर की बात सुनी नहीं थी हमने. है ना. ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार लिखता हूं मैं. बावला नहीं हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार लिखता हूं मैं. ओके सो आई एम हियर फॉर यू. हेलो आई एम हियर. कुछ बोल रहे हैं प्लीज. हाँ सर.
सर ये नोमिनेटिव और अकुसेटिव और डेटिव वाला टेबल है जो, वो कुछ हार्ड लग रहा है, मतलब वो तीनों मैस्कुलिन वो सब तो समझ में आ रहा है। ये नहीं, वाला, ये वाला टेबल आर्टिकल वाला, आइन वाला, देर आइन वाला। ये वाला, यस, ये वाला हार्ड लग रहा है, आइन वाला। ओके हाँ मतलब अकुसेटिव नेटिव और डेटिव तीनों मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब तो कौन सा यूज करना है। सो इसमें क्या है कि पहली दो टेबल जो है, ये वाली फर्स्ट टू टेबल्स आर सेम। आप देखो इस, ये अलग है बस, डेर का डेन है, बाकी देखो दी दी, दस दस, दी दी सेम है। ऐसे ही इसमें देखो, आइनर आइनर, आइन आइन। तो एक तो ये है, पहली दो टेबल ऑलमोस्ट सेम है, और इसमें डिफरेंस था तो ईएन का था, यही ईएन का इधर है। तो वो एक गन वाला बनाते थे ना आप, इधर दोनों को समझाने के लिए, तो गन का है कुछ। गन का हाँ एक डायग्राम बनाते थे ना आप इन दोनों का, टेबल्स का, वो याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वो तो आया ही नहीं, एडजेक्टिव एंडिंग वो तो बोलते हैं, एडजेक्टिव एंडिंग एडजेक्टिव एंडिंग वो तो अलग चीज है। हाँ यूट्यूब पे देखा होगा आपने, गन तो ये साथ तो ही याद। रखता हूं मैं, लेकिन वो अलग है कॉन्टेक्स्ट में। यहां पे वो नहीं है, यहां पे तो आप देखो ये सिंपल है। वो तो एक स्टेज आगे की बात है, वो भी करेंगे अपन, कल निकालूंगा या परसों निकालूंगा, वो तो निकालूंगा मैं। लेकिन ये बेसिक टेबल और भी इंपॉर्टेंट है, वो टेबल भी इससे जुड़ी हुई है। सो फर्स्ट टू आर सिमिलर, और लास्ट वाली में देखो इनका दोनों का डिफरेंस, डेम ई एन बिकम्स ई एम, हियर ऑल्सो ई एन बिकम्स ई एम, ई आर। कई लोग तो इसको ऐसे भी लर्न करते हैं, एक और तरीका है इसका, कई लोग क्या करते हैं इसके आर ई एस ई, एन ई एस ई, एम आर एम एन, कई ऐसे भी लर्न करते हैं इसको, आर ई एस ई, एन ई एस ई, एम आर एम एन, किसी को ऐसे याद हो जाती है, फिर उनको हर बार याद रखना होता है। अच्छा एन का मतलब ई एन ही तो है, आर का मतलब भी तो ई आर ही है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको ये, बट ऐसे भी याद हो सकता है किसी को। दो चार बार देखोगे लिखोगे दिल से, कैसे लिखे कोई दिल से, खुद को टेस्ट करना पड़ेगा आपको, एक बार देखो और फिर बिना देखे लिखो, बन गई क्या, अरे यार नहीं बनी, तो धीरे से वापस देख लो फिर लिखो, तीन चार बार कर करके देखोगे तो पता हो जाएगा आपको, है ना। सो इस आर्बाइटर बिस सेन वर्क का मतलब है आई एम वर्किंग टिल 10 o'clock, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर इश, एम एम के लिए क्या था, इश बिन इश बिन, फॉर यू फ्योरिश फ्यूरडिश। आपको जब ये पता है कि फ्यूर याद हो जाएगा, तब बता रहा हूं मैं, फ्यूर का अगर ये पता चल जाए ये आकुजाटिव है, तो इसके बाद में कभी भी आप डू लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आकुजाटिव के बाद तो भाई आकुजाटिव आएगा। डियर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि पता है कि डियर तो डाटिव है, तो आकुजाटिव के बाद में आकुजाटिव ही आएगा। आकुजाटिव में क्या आ जाएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, और तो क्या आएगा, कोई टेबल टेबल ही तो आएगी। नहीं सर माइन वाली, हाँ तो वो आ जाएगी, टेबल ही तो आएगी, आपको टेबल एक बार लर्न करनी है बस। इश बिन हियर फॉर डिश, आई एम हियर फॉर यू, फॉर मी, अगर कोई इतना ही बोले, सेंटेंस ही नहीं बनाए, फॉर मी तो क्या होगा, फिमिश चमिश फिमिश। अगर क्वेश्चन की तरह है तो क्वेश्चन की तरह कर दो, बिना सेंटेंस के भी, ये तो पता ही है आपको, इसको वर्ब की कहां परवाह है, ये तो आपने आगे वाले को अकुजेटिव बना देता है, तो इतना भी होगा तो भी अकुजेटिव ही आएगा, क्योंकि हमको पता है ना ये डिसाइड करता है।
वर्ब के टाइम पे वर्ब डिसाइड कर रही होती है और इसके टाइम पे ही है फ्यूर्मिश। हाँ हाँ तुम्हारे लिए लाया हूं फ्यूर्डिश। या फ्यूर्डिश, अरे कोई नहीं लाता, आप लायो। हाँ फ्यूर्डिश, ओके। मतलब अराउंड, अराउंड टेबल के चारों तरफ हम लोग बैठे हैं। वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल। टेबल को बोलते हैं डेयर टिश, और सिटिंग के लिए वर्ड आया था जित्सन, जित्सन। आज स्पेशल वाले में था शायद जित्सन, बट प्लूरल के लिए तो ऐसा कैसा आ जाता है। वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग क्या होगा, वी आर जित्सन, वी आर जित्सन, डेंटिश, अराउंड डेंटिश। भैया डेन कैसे हो गया डेयर से, यस डेयर का अकुजेटिव डेन ही होता है, इसलिए ये डेन हो गया। अराउंड द टेबल वी आर जित्सन डेंटिश, वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल। यस सर ब्रेक का टाइम हो गया। क्या इसके बाद में आपको फ्री कर देता हूं मैं, रुको छोटा छोटी सी क्लास ही रखूंगा उसके बाद में, इसको तो पूरा करूं, बीच में छोड़ दूंगा तो फिर वो बात ही खत्म हो जाएगी यहां पे, ठीक है। मुझे दूसरों की कैपेसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके सो इसको पूरा फिनिश करते हैं फिर ब्रेक देते हैं आपको। अच्छा छुट्टी कर देते हैं, चलो छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। इसको तो तसल्ली से सीख लो, ठीक है। 15 मिनट तसल्ली से, ध्यान से सुनोगे 15 मिनट्स, फिर छुट्टी 15 मिनट्स। थैंक यू सर, ओके। क्योंकि आज प्रपोजिशन जान में जाना ही है, राइट। सीख सर आज तो टुडे यू आर गोना कंप्लीट द प्रपोजिशंस राइट, इवन द डेटिव एंड वेक्सिल। नो नॉट डेटिव, नो दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यस यस ऑफ कोर्स, डेटिव टुमारो ऑफ कोर्स, दीज आर आल्सो नॉट इन प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में यह है, डोंट वरी। इसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा आपकी 15 मिनट्स, ध्यान से, ओके। यस सर, यस। फिर मत आना कभी सुपर इंटेंसिव में, नहीं नहीं आना है, फिर आना है, आना है, आना है, आना है। हम आएंगे सर सिंस 5 o'clock में बैठे हैं सर। एट 2 में आएंगे ना सर। ओके ओके, देव ऐसे मत बोलो, मत आना, हाँ आना है। यस सो यहां पे आ गए हम लोग, बस इतना सा बचा है। का मतलब है अराउंड। के बाद में अकुजेटिव आएगा। अकुजेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अकुजेटिव है तो अकुजेटिव ही आएगा। यस सो डेंटिश अराउंड द टेबल, वी आर जित्सन डेंटिश, वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल। अगर मैं बोलूं वी आर स्टैंडिंग, मान लो कोई ट्री है यहां पे सपोज, और वी आर स्टैंडिंग, एक जना उधर भी ट्री को बोलते हैं बाउम, तो क्या हो जाएगा अगर मैं स्टेहन वगैरह ना भी बोलूं, इतना ही बोलूं अराउंड द ट्री तो भी उमडेन बाउम ही होगा, क्योंकि उम ही अकुजेटिव एंड देयर मेक्स इट डेन अकुजेटिव। ओके यस नेक्स्ट डूर्स, उम फिक्स टाइम के लिए भी तो होता है उम, क्या उम का यूज हम फिक्स टाइम के लिए भी तो करते हैं, करते हैं ना, इसीलिए ये दो डंडे इधर निकाल रखे हैं कि टाइम के लिए गेगन और उम टाइम के लिए भी होता है। इसकी बात अलग से करूंगा, मिक्स नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इनको दोनों को पहले ही मार्क कर दिया। डूर्स
सोने गेगन एंटलांग डोर्स ओने गेगन एंटलांग डोर्स का क्या मीनिंग था थ्रू ओने इज विदाउट गेगन इज अगेंस्ट एंटलांग अलोंगसाइड Park is their park. If I say, उसको बोलो कि बस 10 minutes की बात है. So अगर ऐसे बोलना हो कि I am going through the park. इस गे है डूर्स देन पार्क. तो डूर्स के बाद तो आकुजाटी भी आएगा. इस गे है डूर्स देन पार्क. यस एक ने पूछा बोले तुम दरवाजा तो बंद है तुम कहां से आते हो घर में. बोले मैं तो खिड़की से आता हूं. थ्रू द विंडो दास फेंस्टर टू दास फेंस्टर I come through the window. Durs das Fenster. तो दास का अकुजाटिव भी दास ही होता है. Yes sir. Durs das Fenster. चश्मा तो लगा रखा है. चश्मे में से दिख तो रहा है ना. दिख रहा है. Durs die Brille. दी ब्रिले होता है. ब्रिले आई सी इस जे है. इस जे है डूर्स दी ब्रिले. डूर्स दी ब्रिले. यस सो थ्रू आई सी थ्रू द स्पेक्स. तो डूर्स का मतलब थ्रू है कुल मिलाकर. में से होकर. ओने ओने इज विदाउट. I cannot see without specs. चश्मे के बिना मुझे दिखता नहीं. I cannot. ये कौन सी verb है ये? Can वाली. क्यों नहीं? Modal verb है ना? Modal verb. Modal verb. तो modal verb में तो ज़हन तो last में आएगी. Yep. और क्यों नहीं का second position पे आएगी? आई कैनॉट सी. नेगेटिव क्यों बोलते हैं? ऐसे बोल देते हैं आई कैन सी विदाउट तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इश्कान ओन दी ब्रिल जेहन. आई कैन सी विदाउट स्पेक्स. आई कैन ईट चॉकलेट विदाउट स्पेक्स. हाँ उसका क्या रोल है चॉकलेट खाने में? तो देखने के लिए काम आता है. तो इश्कान सर कैन वी यूज द नेगेशन निष्ट आफ्टर ब्रिले. यस वी कैन ऑफ कोर्स. इश्कान ओन है ब्रिले शोकोलाड एसन. तो मुडाल वर्ब में तो मेन वर्ब लास्ट में एज इट इज आती है. तो इश्कान ओने ब्रिले शोकोलाडे एसन दी ब्रिले विदाउट स्पेक्स. अब यहां दी भी लगा सकते हो विदाउट द. आपने स्पेसिफिक किया तो ओ विदाउट द. इस पर्टिकुलर चश्मे की बात करोगे तो द भी लगा दोगे और उसके बिना विदाउट स्पेक्स. गिगन इज अगेंस्ट. Against. You speak against me. मैंने notice किया तुम मेरे खिलाफ बोलते हो. You speak against me. Speak का do speak do speak sprist. आज वो special करी थी ना irregular verb उसमें है ये. You speak against me. Gegen mich. Do sprist.
Gegen Mish, you are speaking against me. Against. It's against. Lo. To against. Gegen Gidgets. आ जाएगा. Entlang जो है ये खास है. Entlang last में आती है generally. दूसरे तरीके से भी इस बात को कह सकता हूं. But जैसे कोई बोले I am going along the street. मैं रोड के साथ साथ जा रहा हूं. रोड को बोलते हैं दी स्ट्रास है, लेकिन एंट्रांग लास्ट में लिखना है. आई एम गोइंग अलोंग द स्ट्रीट. इसमें उल्टा है मामला. बाकी में तो प्रीपोजिशन पहले आती है, इसमें प्रीपोजिशन है वो बाद में आती है. इश गे है दी स्ट्रासे एंटलांग. यो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है कुल मिला के. प्रीपोजिशन के हिसाब से हो रहा ही है. बस इतनी सी बात है कि प्रीपोजिशन बाद में आ रही है. बट दिस चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रीपोजिशन ओनली. Even if the modal verb comes, so the last will be the modal verb, right? Yeah. Here in this sorry, case. The main verb will be last and the modal verb will be in the second position. Modal verb to second pe aayegi. Modal verb mein, modal verb mein agar main verb aayi to wo last mein chali jayegi. Entlang will be before that. Phir wo pehle aa jayega. Modal verb ke saath mein main verb last mein jaati hai. एक्चुअली रूल ये नहीं है कि एंटलांग लास्ट में आएगा. रूल ये है कि एंटलांग के साथ में जो नाउन है वो पहले आ जाएगा. ये रूल है. तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट में दिखती है. आई कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट. दिस ट्रास एंटलांग गेहेस. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जर्मन इज वेरी फ्लेक्सिबल. इससे फर्क नहीं पड़ता. बट शर्त यह है इसमें कि एंटलांग जो है उसके पहले आना पड़ेगा जिस पे भी असर हो रहा है. ओके okay? परेशान हो जाओगे. ऐसे मत देखो इसको, वैसे देख लो. बात एक ही है लेकिन. सो ये था. इसके साथ में आपको एक टेस्ट तो दे सकता हूं क्या? क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं. एक टेस्ट दे दूं? ठीक है. यस सर. एक टेस्ट दे देता हूँ. जस्ट ए मोमेंट. टेस्ट कितने नंबर पेज पे मिलेगा मुझे? जस्ट ए मोमेंट, लेट मी चेक. टेस्ट इसमें मिलना चाहिए मुझे. टेस्ट अपनी एप्लीकेशन भी आप लोगों के लिए बहुत खजाना है अगर आपको पता चल जाए. ये वाली दो एक्सरसाइज हैं. ये देखो, एक एक्सरसाइज तो ये है कि आपको खुद सोचना है कौन सी प्रीपोजिशन यहां पे आएगी. डू का डिस इसने खुद ही बना दिया. डू का डिस आ गया है, लेकिन कौन सी प्रीपोजिशन आएगी आपको सोचना है एक बार. यहां पे पेज नंबर कितना है? पेज नंबर तो आपको दिख रहा है क्या अभी? एक बार ये फोटो ले सकते हैं उसकी. ब्लरी है. आप किसी को स्क्रीनशॉट लेने के लिए हाँ. बोलिए. फिर भी कईयों को नहीं मिलेगा तो ग्रुप में कोई भेज दे तो ठीक रहेगा. प्लीज सेंड.
ब्लर आ रहा है तो आपको कोई ना कोई ग्रुप में भेज रहा है अभी. सो इसमें आपको प्रीपोजिशन क्या है, आ रही है ग्रुप में आ रही है, डोंट वरी. तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आपको जाती हुई है ना सारी, फ्यूर उम ओने डूर्स गेगन एंटलांग. ओके, अकुजाटिव प्रीपोजिशंस है, ये ट्राई करनी है अपन को. एंड देर आर टू एक्चुअली, एक ये भी भेजना है. पेज नंबर सेम सेम पेज 26. सो